सीएम योगी से मिल सकते हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, आजम खान के मुद्दे पर कर सकते हैं बातचीत। कल आसन से मुलाकात के बाद शिवपाल से सीएम से कही थी मिलने की बात। 100 दिन के टारगेट पर योगी सरकार का काम शुरू, अब फील्ड में जाएंगे उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री। सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए जारी किए निर्देश। सीएम योगी के निर्देश के बाद सख्त कार्रवाई, बर्खास्त किए गए अधिशासी अभियंता संजय कुमार, झांसी प्रखंड में तैनात थे संजय कुमार। ग्रेटर नोएडा में देर से दफ्तर पहुंचने वाले अधिकारियों पर सीएम सख्त, यमुना प्राधिकरण के 52 अधिकारियों का वेतन काटा। होमगार्ड विभाग को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, होमगार्डों का भी होगा बीमा, होमगार्डों को अन्य सुरक्षा वाली जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायतों में होगी विशेष सभाएं, मंत्रियों सांसदों विधायकों को सभा में रहने के निर्देश। यूपी के ग्राम पंचायतों में बनेंगे ओपन जिम, खूब खेलो खूब पढ़ो मिशन के तहत लिया गया है फैसला, पहले चरण में 100 ग्राम पंचायतों में बनेंगे जिम। यूपी के विदेशी निवेश में इजाफा, निवेशकों को दी सहूलियतों का दिखा है असर, 40 विदेशी कंपनियां कर रही 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। यूपी बोर्ड की कॉपियों का आज से मूल्यांकन, आज से 23 मई तक प्रदेश के 271 केंद्रों पर जांची जाएंगी कॉपियां। जी यूपी उत्तराखंड पर बोले मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कहा कि शफीकुर रहमान बर्ग पर किया हमला, सत्ता नहीं मिलने पर गुस्सा है बर्ग। एक हफ्ते बाद फिर से प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या, सीएम योगी ने जताया दुख, डीजी लॉ एंड ऑर्डर से मांगी रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, धारदार हथियार से की गई 5 की हत्या। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप, पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे, खोबराजपुर गांव का मामला। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या पर मायावती ने किया ट्वीट, कानून व्यवस्था पर उठा सवाल। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह, रामपुर में समाजवादी समर्थक मोर्चा अध्यक्ष अजीम इकबाल ने समाजवादी समर्थक मोर्चा के सभी पदों और विंग भंग किए। बहराइच में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान, शिवपाल आजम की मुलाकात एक औपचारिकता। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में धूम्रपान गुटखा खाने पर लगा प्रतिबंध, खाते या फिर बेचते पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह में बगैर लाउडस्पीकर के पढ़ी गई जुमे की नमाज, श्री कृष्ण जन्मस्थली पर लाउडस्पीकर की आवाज कम किए जाने के बाद मुस्लिम समाज ने बंद किया लाउडस्पीकर। गोरखपुर में सीएम योगी के आदेश का असर, गोरखनाथ मंदिर में कम हुई लाउडस्पीकर की आवाज। आगरा में चामुंडा देवी मंदिर को हटाने का नोटिस जारी, रेलवे ने जारी किया नोटिस, भक्तों में और हिंदूवादी संगठनों में रोष। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी अंसार के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, दिल्ली पुलिस ने की थी प्रॉपर्टी की जांच कराने की मांग। जहांगीरपुरी हिंसा के बीच ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कि हिंदुत्व वाली सरकार में दया पर रहे हैं मुस्लिम। ओवैसी ने ट्वीट किया, लगातार खराब हो रहे हालात, हिम्मत नहीं हारनी है, काले बादल छट जाएंगे। भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा का यूटर्न, कहा कि सड़कों पर उतरकर हमला नहीं करेंगे, पहले कहा था सड़कों पर उतरे मुस्लिम तो संभाल नहीं पाएंगे। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी की प्रतिक्रिया से मौलाना पड़े नरम, नंदी ने कहा था ऐसी कार्रवाई करेंगे कि साथ पुश्ते याद रखेंगे। जहांगीरपुरी मामले को लेकर टिकैत का सरकार पर हमला, कहा कि संविधान अलमारी में बंद, बुलडोजर से ट्रैक्टर करेंगे मुकाबला। जहांगीरपुरी में पुलिस की मौजूदगी में गले मिले दोनों पक्षों के लोग, अमन कमेटी का ऐलान, कल निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सीपीआई डेलीगेशन को पुलिस ने कुशल चौक पर रोका, पुलिस के रोकने पर धरने पर बैठे सीपीआई के नेता। जहांगीरपुरी में एसपी नेताओं को भी दिल्ली पुलिस ने कुशल चौक पर ही रोका, लोगों से मिलने की नहीं दी इजाजत। खून खराबे वाले बयान पर अड़े शफीकुर रहमान बर्क, बोले कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, देश का मुसलमान खतरे में। गोरखपुर में बुलडोजर का असर, अतिक्रमण करने के आरोप में गाड़ी उठा लिया बुलडोजर, गाड़ी के अंदर बैठा रहा टीचर। गाजियाबाद में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हवा में कई फीट ऊपर उड़ा बाइक सवार, घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के कौशाम्बी जेल में गायत्री मंत्र का असर, कैदियों के रवैये में देखा जा रहा बदलाव।
कौशाम्बी में दूल्हे की गाड़ी पर शख्स ने बंदूक के साथ किया डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी में अपराधियों पर सख्त योगी सरकार, अपराध पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ में बने 95 पिंक बूथ के लिए सीयूजी नंबर जारी। लखनऊ में घर के बाहर ही स्कूटी सवार महिला के गले से चेन लूटी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। यूपी के औरैया में महिला के गले से चेन झपटी, बाइक सवार बदमाशों ने बनाया निशाना। यूपी के बस्ती में आरटीओ विभाग में युवा को पीटा, लाइसेंस रिन्यू के लिए घूस मांग रहे थे अधिकारी, वीडियो बनाने पर पीटा। अलीगढ़ में बच्चा चोर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, आरोपी के पास से 18 दिन की नवजात बच्ची बरामद। चंदौली में नकली नोट छापने वाला गैंग का खुलासा, 11,80,000 के नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार। अमरोहा में धोखेबाज प्रेमी की प्रेमिका ने रुकवाई शादी, प्रेमिका के साथ आए परिजनों ने की जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में पीएम ने ई कॉफी टेबल बुक का किया अनावरण, ई कॉफी टेबल बुक में बुलंदशहर को 130वें पेज पर मिली जगह। अलीगढ़ में बच्चा चोर गैंग का खुलासा, 4 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार, 18 दिन की दूधमुही बच्ची भी बरामद। सोनभद्र के पेट्रोल पंप से मिलावट की सूचना मिलने पर डीएम के निर्देश पर टीम का गठन, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी। ललितपुर में कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर लगी आग, अचानक से आतिशबाजी की वजह से स्टेज पर लगी आग, मौजूद लोगों ने अफरा तफरी में आग बुझाई। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में लगी आग। गाजीपुर के डीएम ने दिए हैं सख्त निर्देश, अब ईद में सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज और बिना परमिशन नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। ग्रेटर नोएडा में ध्वनि प्रदूषण को लेकर चलाया गया अभियान, एडीसीपी विशाल पांडे के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। भदोही के मोरवा नदी के जीर्णोद्धार के लिए जिलाधिकारी, सीडीओ समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान किया। बिजनौर के रिहायशी इलाके में गुलदार दिखने से हड़कम, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, खेतों में काम करने से किसानों को लग रहा डर। झांसी में जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन, छात्रवृत्ति से वंचित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सहित कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने किया प्रदर्शन। कौशाम्बी में मोबाइल चोर गिरोह, पुलिस टीम ने बरामद किए 54 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, पुलिस एसपी ने बरामद फोन को मालिकों को सौंपा, गुम हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिले। शाहजहांपुर पुलिस का आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करी, 51 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में शादी बारात में बैंड बजाने वाले निकले शातिर चोर, रैकी के लिए चुना था बैंड बजाने का व्यापार, कार्यक्रम के बाद में करते थे घर साफ। जालौन में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में पलटी, हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, शादी समारोह से उरई लौट रहे थे वापस। हापुड़ में फेस चोरी के आरोपी मनोज यादव की पत्नी गिरफ्तार, आरोपी की पत्नी के पास से 22,50,000 बरामद। उन्नाव में अवैध खनन ओवरलोडिंग के खिलाफ विधायक ने खोला मोर्चा, बीजेपी विधायक ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र, डीएम ने गठित की जांच कमेटी। गाजियाबाद में NH9 यूपी गेट के पास पलटा कंटेनर, कंटेनर पलटने के कारण हाईवे पर फैला ज्वलनशील पदार्थ। लखीमपुर खीरी में दुल्हन बारात का इंतजार करती रही लेकिन कैश की डिमांड पूरी ना होने के कारण दूल्हा नहीं पहुंचा। बहराइच में डीएम लोगों को सिखा रहे पर्यावरण की सुरक्षा के गुण, जिसे अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं किसान। उत्तराखंड के धामी सरकार का फैसला, शिक्षा मित्रों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी, करीब 650 शिक्षा मित्रों को मिलेगा लाभ, अब हर महीने मिलेंगे 20,000। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा आज, पौड़ी के पीठ साइड में क्रांति मेले में करेंगे शिरकत, पेशावर कांड के वर्षगांठ पर लगता है मेला। उत्तराखंड चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए। 8 मई को खोलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, 2 सालों से रुके मंदिर के रंग रोगन का काम शुरू। उधर सिंह नगर के कल्याणी नदी पर बना बांस का पुल, सरकारी दावों की खोल रहा पोल, पूरी तरीके से हुआ जर्जर,
टिहरी में भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए विशेष तैयारी। गालू घड़ा परंपरा के तहत निकाला जा रहा तिलों का तेल। रुद्रप्रयाग में धार्मिक स्थलों को बनाया जा रहा पिकनिक स्पॉट बनाए जाने से लोगों में आक्रोश। ऋषिकेश एम्स में समीप शिवाजी नगर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग, आग लगने और सिलेंडर में धमाके से मची अफरा तफरी। चमोली में जंगलों में भीषण आग, आग लगाने से लाखों का वन संपदा जलकर खाक। दिल्ली के आजाद मार्केट की दुकान में भीषण आग, आग की चपेट में आने से तीन लोग झुलसे। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, तीन तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के कब्जे से 21 किलो एम्बर फीस बरामद। द्वारका एटीएस पुलिस की एक बड़ी सफलता, चोरों की 10 गाड़ियों के साथ तीन को बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में AK-47 से चलाई गई गोली, परिसर में हड़कंप मचा। दिल्ली में फिलहाल बंद नहीं होंगे स्कूल, स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश। स्कूल में एक साथ बैठकर बच्चों के लंच करने पर रोक। दिल्ली मेट्रो में मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना, सभी यात्रियों को सफर के दौरान लगाना होगा मास्क। पीएम के दौरे से पहले जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम, हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश मामले की जांच को एनआईए ने संभाला, वारदात वाली जगह से कई अहम सबूत जुटाए। जम्मू एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, मौके से आतंकवादियों के 2 हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का एक बड़ा बयान, कहा कि पीएम के आने से पहले आतंकी हमला साजिश का हिस्सा था। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 59वां दिन, खार्किव और खेरसोन में रूसी सेना के कई हवाई हमले, शहरों में तबाही का मंजर। मरियोपोल में रूसी सेना के हवाई हमले लगातार जारी, यूक्रेन का आरोप रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जर्मनी के चांसलर शुल्ज का बड़ा बयान, बोले कि नाटो रूस में टकराव हुआ तो हो सकता है तीसरा वर्ल्ड वॉर। जर्मनी करेगा यूक्रेन की बड़ी मदद, पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर करेगा आवंटन। रूस ने अमेरिका पर दिखाई सख्ती, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रूस में एंट्री बैन। खार्किव पर कहर बरपा रही रूसी सेना, पुतिन की आर्मी ने खार्किव पर किया मिसाइल अटैक, हमले में 1 की मौत, 6 घायल। तुर्की का एक बड़ा दावा, 2 दिन के अंदर थम जाएगी रूस और यूक्रेन की जंग, राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान, हम दोनों देशों के नेताओं के संपर्क में हैं। चेर्निहिव शहर पर लगातार हो रहे हमलों के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने डिफ्यूज किया बम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले हफ्ते यूएन महासचिव गुटेरेस से करेंगे मुलाकात। रूस यूक्रेन वॉर के बीच में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का एक बड़ा बयान, बोले कि अगले हफ्ते राजधानी कीव में एम्बेसी दोबारा खोलेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शादी का खास वीडियो, जिसमें दुल्हन हवा में उड़ती नजर आए। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार चांद नवाब का वीडियो वायरल, चांद की रिपोर्टिंग के दौरान कई लोग उनके सामने से गुजर रहे। आईपीएल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हराया। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच में बवाल, अंपायर के नो बॉल न देने पर गुस्सा है पंत। 28 अप्रैल को फैंस को बड़ा तोहफा देंगे सुपरस्टार आमिर खान, फिल्म लास्ट सिंह चड्ढा का ट्रेलर 28 अप्रैल को हो सकता है रिलीज। अपनी आने वाले फिल्म के प्रमोशन में जुटे अजय देवगन, प्रमोशन के दौरान साथ में दिखी को स्टार रकुलप्रीत। ब्लॉकबस्टर बने KGF चैप्टर 2, 8 दिन की कमाई में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 300 करोड़ कमाने की तरफ बढ़ रही फिल्म। टाइगर श्रॉफ ने अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 का नया सॉन्ग शेयर किया है, सॉन्ग में टाइगर के साथ कृति सेना नजर आई। फिल्म भूल भुलैया का नया मोशन पोस्टर रिलीज, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के बाद तब्बू का फर्स्ट लुक आया सामने। फराह खान ने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर अपनी शादी के संगीत के फंक्शन की पुरानी तस्वीरें शेयर की।